साइबर ठगों से हो जाइए सावधान। बेहद ही नए अंदाज से दे रहे हैं ठगी की वारदात को अंजाम। बचें साइबर ठगों की ठगी से, वरना होगा भारी नुकसान। डूंगरपुर जिले सहित शहर में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस ने भी कई सारी एडवाइजरी जारी कर रखी है। वह पुलिस डूंगरपुर के साइबर टीम ने भी साइबर ठगी के खिलाफ कई बड़े खुलासे भी किए हैं, लेकिन फिर भी साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में आप साइबर ठगों की चालाकी को समझें और अनजान लोगों से अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें, क्योंकि ऐसा करने से एक पल में ही आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसा ही मामला डूंगरपुर शहर के गांधी आश्रम रोड पर स्थित कचोरी की एक लारी पर आर्मी के नाम से कॉल आया और बताया कि हमें 7 दिनों तक 70 पैकेट नाश्ते की आवश्यकता है, जो आप तैयार करके रखें। जब संचालक ने पैसों की बात की तो ठग ने कहा कि गूगल पे व पेटीएम से हम पैसे नहीं लेते, आप अपना एटीएम का कार्ड नंबर बताएं जिससे हम पेमेंट करेंगे। जब संचालक ने एटीएम का नंबर देने से मना किया तो ठग ने गाली गलौज शुरू कर दी और व्यवसायी अपनी सतर्कता से ठगी का शिकार होने से बच गया। मामले की जानकारी लेते हुए डी लाइव न्यूज के पत्रकार ने व्यवसायी से सारी जानकारी ली तो बताया कि अर्थुना में होटल व्यवसायी से 180 पैकेट नाश्ता पैक करवाया। वहीं बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर में भी होटल व्यवसायी से 500 कचौड़ी, 200 प्लेट पोहे व 5 किलो जलेबी और 50 बोतल पानी का ऑर्डर देकर पैक करवा दिया। और जब पैसे देने की बात आई तो ठग ने वही एटीएम नंबर देने की बात कही, जिस पर व्यवसायी को ठगी होने का एहसास हुआ। जिले व शहर की जनता से अपील है कि ऐसे किसी भी अनजान नंबर को ना उठाएं, ना ही व्हाट्सएप पर उसका जवाब दें और ना ही किसी ऐसे लिंक को ओपन करें और अपने एटीएम या ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ठगी हो सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सर कल शाम को फोन आया था कि मेरे को 70 कचौरी और 70 समोसे चाहिए और पैकिंग कर देना, और मैं सुबह आऊँगा आर्मी का जवान करके बताया उसने। मेरे आर्मी का फ़ोटो भी डाला कि मैं थल सेना का आदमी हूँ, और सुबह वापस फ़ोन आया, मेरे कम से कम 20 बार फ़ोन कर दिया उसने कि मेरा पैक किया कि नहीं किया, पैक किया कि नहीं किया, फिर पैकिंग करे, मेरे फ़ोटो भेजो और पानी की बोतलें भी मंगा भाई, और सब मैंने पैक किया। उसके बाद मेरे को मना कर दिया कि भाई गूगल पे भी नहीं करूँगा, फ़ोनपे भी नहीं करूँगा और ना कैश लेस भी नहीं दूँगा मैं, और मैं आपसे सिर्फ ATM के नंबर मांग रहा हूँ, उसे ATM से ATM नंबर दूँगा, उसमें पेमेंट करूँगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, और फिर मैंने उसको मना किया तो उसने मेरा गाली गलौज करने लगा, हम सेंट्रल आदमी है क्या समझते हो हमारे गाँव में, और यूँ फिर उन्हें सब बिलेट मार दी। फिर हमारे आज मैंने फ़ोन किया तो 2-3 जगह फ़ोन आए हमारे, कभी एक जगह 200 नाश्ता पे करवाया, एक जगह 500 नाश्ता पे करवा दिया, और एक 200 पोहे पे करवा दिया, 50 लीटर पानी बोतल पे करवा दी, 5 किलो जलेबी पे करवा दी, और सब जगह ऐसे ही वो सर ठगी किया जा रहा है, सब जगह इसी नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, एक ही नंबर सब जगह।